आपका क्यों प्राप्त नहीं होता? अच्छा प्रश्न है, उत्तर सुन लीजिए। मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान में चल रहे हैं, तो आप अपने पीछे अपने चिन्ह और निशान और इतिहास छोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। आपके पैरों के निशान आपके पीछे दिखाई दे रहे होंगे। आपका गुजरा हुआ कल आपने पीछे छोड़ा हुआ है। एक दिन बाद आप उसी स्थान पर आना, कोई इतिहास नहीं मिलेगा, कोई चिन्ह नहीं मिलेंगे, कोई निशान आपके पैरों के वहां नहीं मिलेंगे, आपका इतिहास नष्ट मिलेगा। विभिन्न प्रकार की भौतिक भौगोलिक परिस्थिति रेगिस्तान में ऐसी बनी होंगी जिसके कारण आपका इतिहास नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हजारों लाखों साल पहले का इतिहास विभिन्न प्रकार की भौगोलिक वायुमंडल में जो परिवर्तन आते हैं उन सब परिस्थितियों के कारण, और जो लड़ाई झगड़े युद्ध आते होते उनके कारण जो पुस्तकें जल जाती हैं, गल जाती हैं, फाड़ दी जाती है, उन सब के कारण, और धातुएं भी हजारों लाखों वर्ष में गल कर समाप्त हो जाती हैं, नई सभ्यताएं पुरानी सभ्यता की धातुओं को स्वयं उपयोग में ले आती हैं, सारा इतिहास नष्ट हो जाता है। सीधा फार्मूला मैंने आपको बताया। फिर भी इस बात को समझने के लिए ईसाई अपने ऊपर ले कि बाइबल से पहले जो जिंद अवस्था आदि पुस्तकें आई, और उससे पहले जो अंजील आई, तौरेत उससे पहले आई, उसमें मिलावट करार दे करके बाइबल चला दी गई। मतलब 2500 साल पुराना इतिहास ही आपका मिलावटी और नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसी को बदलना पड़ गया यहोवा को, केवल 2500 साल पुराना इतिहास। इसी प्रकार से मुस्लिमों का 1438 हिजरी चल रहा है, इतने साल पुराना इतिहास हदीसों में है, वो सारा का सारा बहुत सारे मुल्ले मौलियों की वीडियो है, वो मानते ही नहीं हदीसों को, कहते हैं सब मिलावटी है। 1438 वर्ष में मिलावट ने इतनी जड़ पकड़ ली कि सब कुछ मिलावटी हो गया, इतिहास नष्ट भ्रष्ट हो गया। कहां है ईसा मसीह की चप्पलें, उनके वस्त्र? कहां से कोई तथ्य ला कर देगा? उस समय के इतिहासकार भी उसका नाम नहीं लिखते, उस समय के समकालीन इतिहासकार। कहां है मोहम्मद साहब की जीवन से संबंधित उनकी वस्तुएं? बाद में ये कुछ कुछ चला देते हैं, ऐतिहासिक रूप से कोई तथ्य प्रमाण नहीं है। खैर,